दो दिन जागो और अगर जगे नहीं तो 2024 के बाद आप यहाँ बैठ करके अपनी बात भी कहने के अधिकार आप नहीं पाओगे। उधर फोर्स लगी है, इधर फोर्स लगी है, कोई यहाँ सुनने को तैयार है? मैं बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम के आयोजकगण का, जिन्होंने आपके सामने मुझे बोलने का अवसर दिया। साथियों, मैं आज तो आई थी 26 नवंबर संविधान दिवस का कार्यक्रम इसी जगह पर हम लोगों ने रखा है। इस कार्यक्रम की योजना के लिए देखने के लिए, जगह देखने के लिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन जब मुझे लगा बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो के साथ जो आपका बैनर मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि ये तो हमारे बहुजन समाज की लड़ाई है, ये बहुजन समाज का आंदोलन है, तो मैं आपके आंदोलन में आपके सामने खड़ा होने के लिए मैं खड़ी हूँ। मेरे साथ में, हमारे साथ में आए हमारे गुरु माननीय अक्षय बन्नाथ कन्हैया जी भी मंच पर हैं। मंच पर बहुत लोग का मैं नाम नहीं जानती हूँ, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं बताना चाहती हूँ साथियों कि मैं जब 2014 में लोकसभा का सांसद बनकर जब लोकसभा में पहुंची तो कुछ समय तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो मुझे लगा कि हमारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में बहुजन समाज के लिए तमाम विभाग बना करके आगे बढ़ाने का काम किए थे, आज इसकी सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है, जिसके खिलाफ आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यह बिजली विभाग को निजीकरण किया, रेल विभाग को भी निजीकरण करते जा रहे हैं, शिक्षा विभाग को भी निजीकरण करते जा रहे हैं, वन विभाग को भी निजीकरण करते जा रहे हैं, भारत में जितने विभाग हैं इस सारे विभाग को निजीकरण करके बहुजन समाज का जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त करते जा रहे हैं, जिसको लेकर के मैं 2017 से आवाज उठा रही हूँ। 2017 से मैं आवाज उठा रही हूँ और सदन से लेकर के सड़क तक मैंने आंदोलन किया। लाखों की संख्या में हमने बहुजन समाज के लोगों को आगाह करने का काम किया, टीवी चैनल पेपर के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को आगाह करने का काम किया कि बहुजन जागो, बहुजन जागो, और अगर जगे नहीं तो 2024 के बाद आप यहाँ बैठ करके अपनी बात भी कहने के अधिकार आप नहीं पाओगे। यह इनकी साजिश है, हमारा भारत का संविधान बहुत बारीकी से समाप्त करते जा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म होने जा रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और जब वहां पिछड़ी जाति के लोगों ने मांग किया आरक्षण के पक्ष में, रीट दायर किया, तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उनका अधिकार खत्म कर दिया गया। उसी आधार पर अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये जब मुझे पता चला, मैं एक बैठक में गई थी, उस बैठक में ये कहा गया कि भारत का संविधान आरक्षण को तो हम ऐसा खत्म करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा, और तभी से मैंने आवाज को बुलंद किया, मैंने भारत का संविधान निकाला। बहुत सांसदों के पास पता नहीं होगा, लेकिन जब इस बात को मैंने सुना तो मैंने भारत का संविधान लोकसभा से, मैं लोकसभा स्पीकर के परमिशन से मैंने निकाला, तो उसमें बहुत संशोधन हो चुके हैं, बहुत हमारे कानून खत्म हो चुके हैं, हमारे लोगों के खिलाफ लोकसभा में निरंतर बिल आ रही है। मुझे बहुत दुख है कि हमारे बहुजन समाज का क्या होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक अकेले व्यक्ति ने पूरे भारत के करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे करके और आपको आगे बढ़ाने का काम किया था, और आज भारत में करोड़ों लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के आरक्षण के तहत जा
जब उनको आगे बढ़ने का मौका मिला तो आज वो करोड़ों लोग मिलकर के बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान में दिए गए कानून को वो बचा नहीं पा रहे। हम अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई अलग अलग हो गई है, जिसके कारण आज बहुजन समाज के साथ ये धोखा होता जा रहा है। कभी बिजली विभाग में तो कभी शिक्षा विभाग में तो कभी स्वास्थ्य विभाग में तो कभी रेल विभाग में, ये सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करने वाला वो कौन लोग हैं? वो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर भारत के संविधान में आपको अधिकार नहीं दिए होते तो हमारे लोगों को ना पढ़ने का अधिकार मिलता, ना नौकरी करने का अधिकार मिलता, ना मकान बनाने का अधिकार मिलता, ना उनको आगे पढ़ने का मौका मिलता। लेकिन जो लोग बढ़ गए हैं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यूनियन बना करके बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके, और चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे वो देश स्तर पर, आप सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। यह आंदोलन जब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर सभी विभाग मिल करके पूरे भारत में हम जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमारा ये निजीकरण जो ये होता जा रहा है, हमारा अधिकार जो छीनते जा रहे हैं, ये तब तक नहीं रुक सकता जब तक पूरे भारत में आंदोलन नहीं होगा। अब इसकी हमें जरूरत है, हमें आंदोलन की जरूरत है साथियों, भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए। मैंने जब लोकसभा में आवाज उठाया तो मुझे हीन भावना से देखा गया, मेरी बातों को अनसुनी की गई। और जब मेरी बातों को अनसुनी की गई, हमारी लड़ाई कोई और नहीं थी, हमारी लड़ाई कोई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में जो बहुजन समाज के लिए जो बराबर का हक दिया है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी उनको मिलना चाहिए, उस अधिकार को संपूर्ण रूप से लागू कराने की ही लोकसभा में हमारी मांग थी। इस मांग को लेकर के 2017 से मैंने आंदोलन शुरू किया, और जब मेरी बातों को अनसुनी किया तो मैंने बीजेपी पार्टी को भी छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके भारत में मैं आंदोलन चला रही हूँ। लगातार मैं आंदोलन चला रही हूँ, आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के साथ में मैं हूँ, मैं बहुजन समाज के साथ में हूँ, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन समाज को बचाने के लिए, बहुजन समाज के अधिकार को बचाने के लिए। अब हम लोग जो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग तफरी बजा रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन बना करके जो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी से उनको फायदा हो रहा है। अगर यही आंदोलन पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर के लड़े होते और दिल्ली जाम हो गया होता तो उनको ये बिल जो लाए हैं, ये बिल उनको वापस लेना पड़ता। लेकिन आज जो आज हमारे बहुजन समाज के लोग आज जो चिंतित है, जो दुखी है, जो कर्मचारी अधिकारी है, मैं तो देख रही हूँ अभी चाचा जी बोल रहे थे, बुजुर्ग है आप बोल रहे थे, आपका तो समय खत्म हो गया, आपकी उम्र खत्म हो रही है, आपकी 65 साल की 70 साल की उम्र है, आप तो आप नौकरी भी कर लिए, अगर कर रहे होंगे तो नौकरी भी कर चुके होंगे, आपकी उम्र पार हो गई, आने वाले समय का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? अरे आप अपनी कमाई से, आप अपने कमाई के आधे पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा तो हमसे बड़े पदों पर पहुंचेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन आपका सपना अगर संविधान कानून अगर बचा नहीं पाए तो आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसको लेकर के मेरे लिए ना सही, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के तहत आंदोलन पूरे भारत में हम सब लोग एकजुट होकर के करना चाहिए। अगर आंदोलन नहीं किए तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज हम महाराष्ट्र से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, गुजरात से, पूरे भारत से अपना किराया भाड़ा खर्च करके,
अपना समय खर्च करके, साधन करके, भूखे प्यासे रह करके और जंतर मंतर पर आए हैं सरकार को आगाह करने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि जो हमारे साथ कुठाराघात हुआ है, जो बिल हमारे खिलाफ आई है, ये बिल वापस किया जाए, निजीकरण समाप्त किया जाए। लेकिन कोई है सुनने वाला? उधर फोर्स लगी है, इधर फोर्स लगी है, कोई यहाँ सुनने को तैयार है? विपक्ष का कोई सुनने को तैयार है? ऐसी स्थिति में इस सरकार का कान अगर खोलना है तो हम सबको एकजुट होकर के भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हम सबको करना होगा। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए हम सब लोग को तैयार होना चाहिए। तमाम सामाजिक संगठन के लोग, तमाम राजनीतिक संगठन के लोग जब चुनाव आता है तो चुनाव के मौके पर और तो मांगते हैं, लेकिन मेरे हक की बात होती है, अधिकार की बात आती है तो हमारी लड़ाई साथ में नहीं होते हैं। इसके लिए हम समाज के लोगों को तैयार करना होगा। यदि हम समाज के लोग तैयार होकर के और अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारा बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए आप लोगों से अपील करेंगे तो तमाम सामाजिक संगठन के लोगों से और अपने प्रदेश में, जिस भी प्रदेश से आप लोग आए हैं, उस प्रदेश वासियों को भी ये बता देना है कि हमारी संगठन में कितनी शक्ति है। सब लोग एकजुट होकर के आंदोलन करें। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस यही मनाने जा रहे हैं। हम पूरे भारत के लोग यही कार्यक्रम में आ रहे हैं। आप लोगों से भी अपील करेंगे कि जो दिल्ली और आसपास के लोग, जो भी लोग हैं, संविधान दिवस लोग नहीं मनाते, संविधान दिवस बहुत कम ही लोग मनाते हैं। 14 अप्रैल मना लेते हैं, 6 दिसंबर पंडित दिवस को मना लेते हैं, लेकिन 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस नहीं मनाते हैं। संविधान दिवस की राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है, संविधान दिवस हमारा पर्व दिवस है। संविधान से देश चलता है, संविधान की बदौलत देश चलता है, इसलिए संविधान दिवस हमको पर्व दिवस के रूप में, खुशी के दिवस के रूप में, संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए मैं आप लोगों से भी अपील करूंगी कि आप लोग 26 नवंबर को इसी जंतर मंतर पर आप लोग आए, इसी जंतर मंतर पर आप लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर संविधान का यहाँ परेड होगा, संविधान का सम्मान किया जाएगा, सलामी दी जाएगी और संविधान पर चर्चा होगा और सरकार को आगाह किया जाएगा कि संविधान के साथ अगर कुठाराघात हुआ तो बहुजन समाज, पूरा भारत का बहुजन समाज, पूरा देश में आंदोलन करके संविधान को बचाने के लिए सब लोग एक होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से भी अपील करूंगी कि 26 नवंबर को आप लोग जहां भी रहे, संविधान दिवस को मनाने के लिए जंतर मंतर पर इसी जगह पर 26 नवंबर को दिन शनिवार समय 10 बजे आप उस कार्यक्रम में पहुंच करके संविधान दिवस को सफल बनाए, पर्व दिवस को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से आप सबका मैं साधुवाद करती हूँ, आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जब भी मैं नंबर भी दे देती हूँ, जब भी आप लोग आंदोलन करें मुझे बुलाएंगे, जितना मुझसे शक्ति हो सकती है आपके आंदोलन को सफल बनाने के लिए, आपके आंदोलन के साथ मैं खड़े होकर आपके साथ संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं सांसद हूँ, पूर्व सांसद हूँ, मेरा प्रोटोकॉल है, जो भी विषय है अगर आप मुझे देते हैं तो आपके विषय को मंत्री के पास भी बैठ करके मैं बात भी करा सकती हूँ, चर्चा भी करा सकती हूँ, मंत्रालय तक मैं पहुँचा करके आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य मैं कर सकती हूँ। इसलिए आप एम्प्लॉयज हैं, आपको अगर वहाँ पहुँचने के लिए आपका प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन पूर्व सांसद होने के नाते मेरा प्रोटोकॉल है, मैं मंत्री के ऑफिस में पहुँच करके और प्रमुख सचिव को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को आपका विषय को मैं रख सकती हूँ, आपके विषय को बता सकती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए मैं विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं एक शेर कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, आज वो पैमान करते हैं घर से निकल जाइए। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, बाबा साहब पहुजन समाज के लिए अधिकार दिया है, इसलिए अधिकार को हमको लेने के लिए हमको एकजुट होना चाहिए। इन शब्दों के साथ जज में साहब के शहादत को क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक करूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।
साथियों बन गए सवाब के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी हूँ। मेरे शरीर पर जो आप लोग कपड़े देखते होंगे, आप कहते हैं ये भगवा है साधवी है, मैं साधवी भगवा नहीं हूँ, मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। मेरे शरीर पर जो वस्त्र है ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। मैं अपना घर को भी त्याग कर, परिवार को भी त्याग कर, मैं पूरे बहुजन समाज के लिए, मैं संघर्ष करने के लिए मैं आंदोलन चला रही हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।